सूखे फूल की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सूखे फूलों से हम किस प्रकार से कार्ड या बुकमार्क बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अलग अलग ओकेजन्स में हमको कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो बर्थडे हो, न्यू ईयर हो या क्रिसमस कार्ड हो। तो इसके लिए हम जब बाज़ारों में जाते हैं तो हम अधिक मूल्य देकर एक फिक्स डिज़ाइन के ही कार्ड्स को हम परचेस करते हैं। लेकिन यदि आप सूखे फूल से और घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों को यूज़ करके कार्ड बनाएं, तो एक तो उसमें नवीनतम डिज़ाइन रहेगा, दूसरा अपनी सृजनात्मक और कलात्मक दृष्टि को रखते हुए आप अलग अलग प्रकार के कार्ड्स बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक कार्ड बनाना सिखा रही हूँ जिसमें मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आप वो कार्ड बना सकते हैं और घर की बेकार सामग्रियों को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम बताने जा रहे हैं कि कार्ड बनाने के लिए हमको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हमने जो पिछली कड़ी में देखे थे कि फूलों को सुखाकर हम इस तरीके से भंडारित करते हैं, इन फूलों की आवश्यकता है। चिपकाने के लिए फेविकॉल, कार्ड या तो शादी के पुराने कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें से लिखावट वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर आप कोई भी सादा कागज़ चिपका के उसको इस तरीके से ले सकते हैं। ये शादी का ही एक निमंत्रण कार्ड का ही एक हिस्सा है जिसे अब हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब इस कार्ड के ऊपर आपको अगर अलग तरीके का आपको पेपर लगाना है तो इस तरीके का ग्लॉसी सीट भी मार्केट में उपलब्ध है। इसके ऊपर आप इससे थोड़ा छोटा टुकड़ा करके आप कंट्रास्ट लुक दे सकते हैं, विपरीत रंगों का लुक दे सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद पे आपका हर रंग खिलेगा। यदि आप पीले के ऊपर फूल चिपकाएंगे तो वो या तो लाल या हरे रंग के होंगे, पर पीले के ऊपर पीला फूल आपका यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक ये उपाय है कि हम कोई भी सफ़ेद कागज़, चाहे वो बचा हुआ किसी कार्ड का हो या कोई भी आपके पास एक पुराना पेज पड़ा हो, तो इस तरीके की ग्लॉसी सीट भी आप इस ले सकते हैं। और आप इसका जितना बड़ा ये कार्ड है इससे थोड़ा सा छोटा काट के इसको कंट्रास्ट लुक दे सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। इस तरीके से हमने कार्ड लिया है। अब पीले के ऊपर हमने सफ़ेद रंग का विपरीत कलर यूज़ करके इसको हम चिपकाएंगे। और हल्के हाथों से इसको दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने कार्ड का पहले टॉप का हिस्सा बनाया है। अब इसमें सफ़ेद में हम कोई भी रंग, जो भी रंग यूज़ करेंगे वह इस पर भलीभांति प्रकार से दिखाई देगा। तो जैसे कि सफ़ेद बेस है, इसके ऊपर कोई भी फूल का रंग खिलेगा, तो हमने एक हरे रंग से शुरुआत करी जिसे हम एक पत्ते का रूप देंगे और इसके हर भाग में थोड़ा 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 फेविकॉल लगा दिया। अब इसे हाथ की सहायता से हमने इसके छोर पर फैला देना है ताकि ये सही से चिपक सके। अब हमने इस मार्जिन से इस पत्ते को चिपका के हाथ से दबा देना है, हाथ से दबाए रखना है ताकि ये पूर्णतः चिपक जाए। इसमें प्रेस करना बहुत एक ज़रूरी स्टेप है। अब इसके बाद आपने कोई भी कलर लेना है। अब कलर के भी डिज़ाइन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पीले के साथ हम अंदर पीला ही फूल चिपकाएं, तो एक अल्टरनेट रंग का फ्लो होगा जिसमें आप अल्टरनेट कलर्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप विपरीत कलर में अगर आप जाएं तो लाल, पील, नीला, कोई भी कलर आप चिपका के एक डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से फूलों को पहले आपने अरेंज करना है। या तो एक डिज़ाइन आपका ये हो गया, या दूसरा डिज़ाइन आपका अलग अलग पीले रंगों को भी लेके बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लाल हटा दें, ये पसंद और नापसंद के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जो ख़रीदार है उसको किस तरीके के रंग पसंद हैं। या तो हम अल्टरनेट सिर्फ 2 या 3 ही कलर का प्रयोग कर सकते हैं, या विभिन्न रंगों का भी प्रयोग करके हम कार्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे हम पीले रंग का ही अगर प्रयोग करें, ज़्यादा रंगों पे ना जाएं, क्योंकि पुष्प विन्यास का एक ये प्रिंसिपल है कि ज़्यादा मिक्सचर हमको कलर्स का नहीं करना है, वरना वो आँखों को ठीक देखने में नहीं लगता है। इस तरीके से हमने फेविकॉल को चिपका दिया और उसे हाथों से फैला के ताकि ये मार्जिन पे सही से चिपक जाए, और हमने इस तरीके से और
इसको फिर से हाथ से दबा के प्रेस कर देना है। यहाँ हम थीम पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का कार्ड बना रहे हैं। जैसे कि अगर हमको यही कार्ड न्यू ईयर पे बनाना है तो हम मल्टी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, और यही कार्ड अगर हमको वैलेंटाइंस पे बनाना है तो हम दो फ्लावर्स को शो करके दो या तीन रंग का ही प्रयोग करेंगे। ये सब आपकी आइडिया, थीम्स और डिज़ाइन सारी पहले से सोची समझी होनी चाहिए। अगर हाथ से कुछ टूट गया है तो आप उसे दोबारा ऊपर से भी चिपका सकते हैं, और इस तरीके से आपने कलर को यूज़ किया है। मल्टी कलर्स में जाएं तो आप इसमें लाल रंग भी चिपका के इसमें तीसरा कलर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अभी तक इस कार्ड को बनाने के लिए हमारी जो लागत आई है वो सब सिर्फ इस फूल को हमने किताब के बीच में बिना किसी लागत के सुखाया है, और इसमें सिर्फ फेविकॉल की लागत के अलावा कुछ भी अभी हमारा खर्चा नहीं हुआ है। अब इस तरीके से हमने एक कार्ड, इसको ज़्यादा भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाली करके ही रखना है ताकि तभी इसमें एक सुंदर लुक आता है। अब इस तरीके से हमने, मान लीजिए ये हमने किसी को बर्थडे में देना है, तो हमने इस कार्ड में क्या करना है, सीधे हैप्पी बर्थडे, एक आर्टिस्टिक वे में हैप्पी बर्थडे लिख के अलग कलर से, ग्रीन के पास ग्रीन कलर से ही हमने इसे लिख के उसको ये कार्ड प्रेजेंट कर देना है। अब देखिए ये कार्ड आपका तैयार हो गया है। इसमें सिर्फ फेविकॉल का हमने उपयोग किया है, बाकी सब ऐसी सामग्रियां हैं जो घर में बेकार पड़ी रहती हैं। यहाँ तक कि जो फूल हम ताज़ा होने के बाद जब वो मुरझाने शुरू होते हैं जो फेंकते हैं, उन्हीं फूलों को हमने किताब या सूखते कागज़ के बीच में रह के प्रेस ड्राइंग विधि या दाब विधि के द्वारा सुखाया है, और इनको एक छोटा सा, एक थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक लुक दे के हमने इसको एक कार्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अब क्योंकि हमने यहाँ सूखे फूल का उपयोग किया है, इसलिए इसे हमें नमी, हवा और प्रकाश, तीनों चीज़ों से, तीव्र प्रकाश से बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, या तो हम इस कार्ड को इस तरीके की कोई भी घर में पन्नी आती है इसमें हम लैमिनेट कर देंगे, या फिर बाज़ार में इस तरीके की शीट्स भी अवेलेबल हैं। इस शीट से आप 7 से 8 कार्ड बना सकते हैं, और ये 3 रुपए की ही मिलती है बाज़ार में, तो इस तरीके की सेलोफिन शीट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमने एक सेलोफिन शीट लिया है जिसमें अब ये बने हुए कार्ड को हम फैला के पहले इसका साइज़ निर्धारित करेंगे और उसी हिसाब से इसको काट लेंगे। इस तरीके से कार्ड को हमने फैला लेना है, और अब जिस तरीके से कॉपी में हम कवर चढ़ाते हैं उस तरीके से इसमें सेलोफिन शीट को पहले छोर को मिलाते हुए दूसरे छोर को खींचते हुए, ताकि यहाँ स्ट्रेच हो सके, हमने इसको सेलो टेप की सहायता से चिपका देना है। इस तरीके से पहले हमने एक तरफ से फिक्स करना है और तब दूसरी तरफ से भी इसको उसी प्रकार फिक्स करना है, और अब इस पार्ट को भी खींचते हुए, क्योंकि ये हमारा अभी फिक्स हो गया है तो सफाई आए प्रोडक्ट में, इसलिए हमें दूसरे पार्ट को भी अच्छी तरीके से खींचते हुए फिक्स करना है, रखना है। अब जब एक बार ये आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा चारों तरफ से फिक्स हो गया है, तो एक बार आपने इसको बंद करके हाथ से फिर दबा लेना है, और अब फाइनल टच देते हुए अंदर आपने इसको पूर्णतः टेप लगाना है इस तरीके से। अब इस टेप को छुपाने के लिए भी आप एक अंदर सिंपल कागज़ का, कोई भी कागज़ का टुकड़ा लेके उसको अंदर एक मोड़ के इस तरीके से चिपका सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई इसमें मैसेज लिखना है तो आप उसी तरीके से लिख देंगे और थोड़ा फिनिश्ड भी लगेगा। इस कार्ड को बनाने में अभी हमारी मुश्किल से 2 रुपए की भी लागत नहीं आई है, और यदि हम इसका
लेबर कॉस्ट या श्रम कॉस्ट भी इसका कैलकुलेट करें तो मुश्किल से ये 5 रुपए में कार्ड आपका पूर्णतः रूप से तैयार हो गया है। अब यहाँ जो मैंने इस आपको ये पन्नी चढ़ाना विधि बताई है, ये एक सस्ती विधि है, लेकिन अगर हम थोड़ी और फिनिशिंग की तरफ मुड़े तो ये ही कार्ड आप लैमिनेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक लैमिनेटेड कार्ड है जिसे हमने लैमिनेशन मशीन में लैमिनेट किया। ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि किस तरीके से लैमिनेट करना है और क्या इसका टेम्परेचर रखा जाएगा। तो ये एक लैमिनेटेड विधि में आपका इस कार्ड की फिनिशिंग और अंदर की भी कार्ड की फिनिशिंग बहुत सुंदर आई है, जिसे आप मार्केट में आसानी से ला सकते हो। तो इस विधि में आपने क्या करना है, बाज़ार में लैमिनेशन पाउचेज उपलब्ध होते हैं जो हम जाके सामान्य रूप में लैमिनेशन कोई भी डॉक्यूमेंट कराते हैं, तो इस तरीके के लैमिनेशन पाउचेज होते हैं। और यदि हम उद्योग कोई स्टार्ट कर रहे हैं और लैमिनेशन मशीन अगर हमको ख़रीदनी है तो ये 5,000 रुपये में आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। और ये लैमिनेशन पाउचेज अलग अलग साइजेस में उपलब्ध हैं। इसमें हमने यही कार्ड को इस तरीके से खोल के फिक्स कर देना है इस तरीके से, और इसको लैमिनेशन मशीन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हमको ट्रीट करना है। ये अभी आगे मैं बताऊंगी कि क्या टेम्परेचर रहेगा। तो ये तो हमारी बनाने की विधि थी कि किस प्रकार से हम कार्ड बनाएंगे। अब दूसरी विधि में मैं आपको दूसरा उत्पाद बताऊंगी जो है बुकमार्क बनाना, किस प्रकार से हम बुकमार्क बनाते हैं। ये हर स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है और किताब के पन्नों में ये ढूंढने में बहुत सहायक होते हैं, तो इस बुकमार्क को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग बना सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि हमको कोई भी पुराना, देखिए इस तरीके का शादी का कार्ड, ये प्रिंटेड कार्ड है, इधर से सफ़ेद है। अब हमने क्या करना है कि इस तरीके से प्रिंटेड भाग को छुपाते हुए ऊपर से दूसरा कार्ड चिपका के इस तरीके से लंबा लंबा इसको काट लेना है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। अब इस तरीके से हमने कार्ड के दो हिस्सों में एक हिस्से पे गोंद लगा दिया है और इसको हमें इस तरीके से आगे जाते हुए इसको चिपकाना है। ये बुकमार्क का एक स्टैंडर्ड साइज है, इसे कपड़े की सहायता से अगर गोंद ज़्यादा फैल गया है तो आपने हटा देना है और इस तरीके से आगे या पीछे इस तरीके से आपका एक बुकमार्क का बेस तैयार हो गया है। अब इस बुकमार्क में आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बीचों बीच पंच कर देना है और इसके बाद अब आपने इसे रख के इस पे अलग अलग तरीके से डिज़ाइन से फूल चिपकाने हैं। फूलों को उठाते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको एक किनारी से फूल उठाने हैं, इस तरीके से अगर फूल उठाएंगे तो वो तुरंत टूट जाएंगे। हमारे दिमाग में थीम रहनी चाहिए कि हम कैसा कलर को यूज़ कर रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर जो मैंने आपको बताया, एक या दो ही कलर जो एक बेस है और कलर एक ही यूज़ कर रहे हैं, या फिर कंट्रास्ट कलर, किस तरीके का कलर हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से हमने ये थीम दिमाग में रख के अपना इसका आगे का डिज़ाइन करना है। इस तरीके से गोंद को फैला के चिपकाना है, साथ में ये अगर टूट भी जाए तो आपको फिर से वहीं से स्टार्ट करना है। अब ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन अगर आपको लग रहा है कि ये सही से नहीं चिपका है, तब आप क्या कर सकते हैं, लैमिनेशन में इसको पूर्णतः तरीके से आप इसमें दबा के सुखा सकते हैं। बस आपको कंटिन्यूटी दिखानी है और हो सकता है अगर कंट्रास्ट इफेक्ट आप दे रहे हैं तो कंट्रास्ट कलर का ही ये ग्लिटर पेन कहलाता है। आपने इसको कुछ भी, किसी को एग्ज़ाम अगर आपने विश करना है तो कुछ भी बेस्ट विशेस या इस तरीके से लिख के छोड़ देना है। हम आपको बताएंगे कि आगे लैमिनेशन किस तरीके से करना है। तो अब मैं आपको लैमिनेशन विधि बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम कार्ड या बुकमार्क को लैमिनेट करेंगे। तो ये हमने पावर का बटन ऑन कर दिया है, ये फॉरवर्ड का बटन है कि हम कोई भी चीज़ यहाँ से देंगे तो वह आगे की तरफ लैमिनेट होकर निकलेगी, और ये रेडी टू हॉट का बटन दे दिया है। अब इसमें हम करीबन 100 डिग्री टेम्परेचर या 90 या 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम फिक्स करेंगे
और जब तक ये रेडी टू हॉट बटन हरा रंग का ना दिखाई दे तब तक हम इसको गर्म करते रहेंगे। जब एक ये तापमान बन जाएगा तब हम इसको लैमिनेट करने के लिए आगे शुरुआत करेंगे। अब ये लैमिनेशन पाउच, एक हमने बड़ा पाउच लिया है जिसमें हम कार्ड और बुकमार्क दोनों को इकट्ठे ही लैमिनेट करेंगे ताकि हमारा हर एरिया लैमिनेशन का एक भलीभांति तरीके से इसमें फिट हो जाए और ज़्यादा पाउच ख़राब ना हो। फॉरवर्ड बटन दबा के आगे मूव कराया है। एक ही बार में हमको दो बार लैमिनेशन कर देना है कि अगर कहीं से कोई पत्ता सही से नहीं सूख पाया है तो हमने उस चीज़ को दोबारा से डायरेक्शन घुमा के लैमिनेट कर देना है। इस तरीके से अब हम लैमिनेशन मशीन को ऑफ कर देंगे और अब ये हमारे दोनों प्रोडक्ट लैमिनेट होके आ गए हैं। अब हमने इसको फिनिशिंग देने के लिए इसके मार्जिन से कट कर देना है कार्ड को इस तरीके से। यहाँ एक और बुकमार्क आ सकता था। ये लैमिनेशन पाउच भी 2 से 3 रुपए में आपको इस साइज का उपलब्ध हो जाएगा जिसमें आपने एक कार्ड और एक दो बुकमार्क आप आराम से इस चीज़ में लैमिनेट करके निकाल सकते हैं। अब जहाँ हमने पंच किया था वहाँ हम पंचिंग मशीन की सहायता से दोबारा पंच करेंगे और अब यहाँ पर हम इस तरीके से रिबन को हमने डाला और इसमें फंसाते हुए रिबन को बाहर ले लिया। एक छोर हमको थोड़ा सा लंबा रखना है और एक छोर थोड़ा सा छोटा रखना है और अब कटर, कैची या फोर्सेप किसी की भी सहायता से इसमें एक इस तरीके से टर्न देने के लिए इसको हम इसको गोलाई का शेप देंगे और ये हमारा बुकमार्क बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट से आपका रेडी है। इसकी लागत भी मुश्किल से 2 से 3 रुपए ही आई है और अगर आप बाज़ार में इसको बेचने जाएंगे तो कोई भी बुकमार्क 10 रुपए से कम आपको नहीं मिलेगा, बेकार से बेकार क्वालिटी का। लेकिन इस क्वालिटी में और हाथ से बनाए हुए ये बुकमार्क भी आपको एक नया लाभ, एक अच्छा लाभ दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम थोड़े ही समय में 5 से 10 मिनट में ही हम कार्ड और बुकमार्क किस तरीके से बेकार पड़ी हुई चीज़ों से हम इसको सूखे फूल समावेशित करके बना सकते हैं।